हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू एक्सएमवी। इस वीडियो पे हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलआईसी के लिए, जो एलआईसी का एग्ज़ाम डेट है आपको पता है वो अपडेट हो चुका है। सो हम डिस्कस करेंगे 50 डे यू नो स्टडी प्लान फॉर जनरल अवेयरनेस। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहेगा, जीए के बारे में हम समझेंगे कि जीए में आपको क्या करना है। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको एलआईसी एओ का जो नोटिफिकेशन है जनवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगा और एडीओ का जनवरी लास्ट वीक तक। प्री की बात करूं तो यहां पे प्री की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज प्री में आपका जनरल अवेयरनेस नहीं है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट मेंस एंड मेंस की टाइमलाइन। देखो, ये है 18 मार्च, ठीक है, और ये है अप्रैल, 8 अप्रैल को होने वाला है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्लासेस से। तो देखो, आप ये क्लासेस हर सब्जेक्ट की अलग अलग दिन पे वी हैव प्लान। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो, राइट। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि क्लास प्लानिंग कैसे हैं। अगर आप देखोगे कि हर संडे आपका करंट अफेयर और कंप्यूटर में क्लास डिवाइडेड है, तो ये है आपका AAO मेंस का पैटर्न और ये है ADO मेंस का पैटर्न। तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझते हैं कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 आने वाले हैं, ठीक है, और जो एडीओ के लिए हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक छोटा सा डिफरेंस को समझो, एओ में आपका ये जो करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, देखो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ओवरलैप नहीं किया जा सकता, इसमें ओवरलैप है। तो ये समझाने का मतलब मेरा ये है, आप ये दोनों चीज़ को दो अलग अलग तरीके से ना देखो, राइट। दिस इज़ नॉट दी टू वे। मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि ये दोनों सेम है और इसको सेम करके आप कैसे पढ़ सकते हो। मतलब ये यहाँ का 30 नंबर और यहाँ का 23 नंबर, ये ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ क्वांट्स एंड रीजनिंग की, तो वो दोनों अलग अलग हैं। क्वांट्स एंड इंग्लिश की, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं बात करंट अफेयर, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करूँ ना, तो इसकी तैयारी हम एक साथ कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आगे वाले स्लाइड पे बताऊँगा। ये तो बात हो गई एओ की, अब हम बात एडीओ की करते हैं। एडीओ में क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो कई बार यहाँ पे जो सवाल है ना, थोड़ा सा इंश्योरेंस डोमेन से डेप्थ में पूछता है। डरो मत, आपको ये किस तरीके का डेप्थ होता है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया, उसके एलिजिबिलिटी के बारे में पूछ लिया, तो उसकी तैयारी आपको थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा। बाकी तो दोनों एग्जाम के लिए सब सिमिलर है। तो जब सिमिलर हैं तो हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। सबसे पहला है BPDF फॉर लास्ट 4 to 6 मंथ। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ कि मैं 4 to 6 मंथ बता रहा हूँ। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर, मेरे को 4 मंथ का करना है, 5 मंथ का या 6 मंथ का, एम आई राइट, होगा आपके मन में ये सवाल। देखो, मैं आपको दो अप्रोच दूंगा। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो आप 6 मंथ्स के लिए करो, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हो, आप हो वर्किंग, तो आप 4 मंथ्स का करो, इतना काफ़ी होगा। लेकिन ये जो 4 मंथ का आप करोगे, इसमें आपका जो रिटेंशन कैपेसिटी वो मोर देन 95% होना चाहिए। मतलब आपने जो भी न्यूज़ पढ़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो एग्ज़ाम में ना आए। बिकॉज देखो, कई बार ये होता है कि आपने कुछ पढ़ के गए लेकिन आपको याद नहीं है। तो अब आप सोच रहे हो सर, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ के गया और एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, रिवीजन। अब स्टूडेंट्स लोग ये सोच रहे, सर आपने हमको तो रिवाइज करने कहा ही नहीं। तो बेटा, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो तो वो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास बहुत टाइम है। मतलब वर्किंग को एटलीस्ट ट्रैवल प्लस वर्क दोनों मिला लूँ तो मैं 10 घंटा इनका काम में जा रहा है, जो तुम्हारा पूरा बच रहा है स्टूडेंट वर्क का, है ना। यू हैव 10 आवर्स एक्स्ट्रा, तो ये 10 घंटा आप क्या करोगे, यूटिलाइज दिस 10 आवर फॉर रीडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड रिवाइजिंग थिंग्स अप। तो आपको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बाई डिफॉल्ट चीज़ समझ में आना चाहिए।
तो ये करना कहाँ से है? बीपीडिया। अब आपके मन में एक सवाल है, इज बीपीडिया इनफ? तो मैं एक बात बताऊं, जिस दिन आप ये सवाल पूछना बंद कर दोगे ना, इज बीपीडिया इनफ, और पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा कि यस, बीपीडिया इज एक्चुअली इनफ। एंड बीपीडिया में एक मजेदार की बात मैं बताऊं, आप जब बीपीडिया डाउनलोड करोगे, आप बीपीडिया में देखना ऑरेंज कलर में, मतलब ये कलर पे, ये 50% फास्टर जो लिखा हुआ है, इस कलर पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लर्न अलोंग। क्या मिलेगा? लर्न अलोंग। तो ये लर्न अलोंग आपको हेल्प करेगा स्टैटिक चीज में। ये सबसे मजेदार बात है बीपीडिया में, मतलब आप करंट अफेयर की तैयारी भी कर रहे हो, साथ साथ में आपका स्टैटिक भी हो जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। और आपका जो सोच है ना कि दोनों अलग है, करंट अफेयर अलग है, स्टैटिक अलग है, ये सोच भी कुछ दिनों में चला जाएगा जब आप बीपीडिया पढ़ना शुरू करोगे, बिकॉज आप खुद ही समझ जाओगे कि बीपीडिया कितना हेल्पफुल है, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं क्या बताऊंगा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर न्यूज़ फ्रॉम ईवीएफ वीडियो। तो देखो, जब किसी भी एग्ज़ाम में, मान के चलो कोई भी एग्ज़ाम में जब करंट अफेयर लिखा होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में, जैसे आपके LIC AO एंड ADO में लिख दिया उन्होंने इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर से न्यूज़, वो पूछेंगे ज़्यादा करके, तो इसका मतलब क्या है कि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में बन सकता है, तो उसको आप पढ़ सकते हो EBF वीडियो से। अब सवाल है EBF वीडियो कहाँ मिलेगा, एंड EBF का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसका हर वीडियो जो है, मंथ में दो वीडियो आता है। अगर मैं आपको बताऊं लास्ट 6 मंथ्स का करना है, तो मंथ का 2 वीडियो × 6, मतलब सिर्फ 12 वीडियो आपको देखना है, और जो एक एक वीडियो है वो कम से कम 40 से 45 मिनट, मतलब आप मान के चल सकते हो 1 घंटे का एक वीडियो है, मतलब आपको 10 से 12 घंटा सिर्फ EBF वीडियो में देना है। पहली बार एक बार आपको और पढ़ना है ताकि आप चीज़ को रिवाइज कर सको। फ्रेंड, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रिवीजन को कभी भूलना मत। सेकेंड हो गया, अब थर्ड पे जाते हैं, स्टैटिक वीडियो एंड PDF। तो देखो, कुछ कुछ चीज़ वो स्टैटिक है एंड हमेशा से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ ATM, ठीक है, टाइप्स ऑफ ATM तो चेंज नहीं होगा, अनलेस वो चेंज हुआ है रिसेंट टाइम्स में, तो या तो BPDA में उसको हमने कवर किया है, या तो EBF वीडियो में, मतलब या तो क्या, दोनों जगह पे कवर हुआ है, EBF BPDA में भी कवर हुआ है और EBF वीडियो में भी कवर हुआ है, तो वो चीज़ तो आप यहाँ से पढ़ लोगे। लेकिन अगर वो चेंज ही नहीं हुआ है, सालों साल से है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा स्टैटिक वीडियो या PDFs में, जो आपके डैशबोर्ड में अपलोडेड है, राइट? तो उनके वीडियोस और PDF को पढ़ते साथ साथ आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते जाओ, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि सवाल कैसे बनेगा, तो पढ़ने में आपको आसानी होगा, रिवीजन करने में आपको आसानी होगा, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन प्ले करता है आपके रीडिंग में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, BPDA में तो आपने पहले टॉपिक में बताया, मतलब पहले पॉइंट में बताया कि लर्न अलॉन्ग करोगे तो हो जाएगा। यस माई डियर फ्रेंड, लर्न अलॉन्ग करोगे तो हो जाएगा। वो लर्न अलॉन्ग जो है ना, हम लर्न अलॉन्ग किस चीज़ का बनाते हैं? जो करंट में डिस्कस हुआ है उसी चीज़ का लर्न अलॉन्ग रहता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ करंट में आया ही नहीं है, करंट अफेयर में, वो पुराना है, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ATM, या तो वैसे न्यूज़ ना आपको BPDA में मिलेंगे, ना आपको EBF में, वो कम्प्लीटली प्योर स्टैटिक फॉर्म में है, एंड उसको लिए आपको स्टैटिक वीडियो एंड PDF देखना है। अब सवाल एक मन में ये उठता है, क्या ये 3 महीना इनफ है आपके लिए? क्योंकि मार्च में पहला एग्ज़ाम है 18 मार्च को, तो क्या ये जनवरी, फरवरी और मार्च का 15 दिन इनफ है? तो आई वुड से यस, इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ एक्चुअली। अगर आप सही अप्रोच रखें तो इनफ है, राइट? मतलब आप अगर अलग अलग है ना, आज आपका मन किया, आज आपने BPDA पढ़ लिया, कल आपका मन किया नहीं, मैं किसी और वेबसाइट में जाके चेक करता हूँ क्या है वहाँ पे, तो ऐसे अगर आप भटकते रहोगे तो नहीं होगा। आपको करना क्या है, आपको एक ही सोर्स को पकड़ना है, चाहे आप BPDA पकड़ो या चाहे आप XYZ कोई भी सोर्स जो आपको सही लगे वो पकड़ो, बट यू विल हैव टू फॉलो ओनली वन सोर्स, यू विल हैव टू रिवाइज ओनली फ्रॉम दैट सोर्स, राइट? प्लीज़ डू नॉट हंट मल्टीपल सोर्सेस राइट नाउ। वो कर सकते थे जब आपके पास समय होता, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते। So friends, with this we are done. Let's meet in some other video. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. Before I go, let me tell you,
that today is the last day of 2022 and we have a flash sale of 70% off in our courses, in all the courses. तो आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर LIC AO ADO, यू कैन ऑब्वियसली गो एंड चेक अवर वेबसाइट एंड इफ यू वांट यू कैन टॉक टू अवर टीम एज वेल इन दिस गिवन नंबर. ठीक है, ये है टीम का नंबर, यू कैन टॉक इन दिस टीम. ऑलवेज रिमेंबर, XMB helps you prepare 50% faster.